Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all in my YouTube channel BMS Legends. आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्कॉर्पियन वेनम, वृश्चिक विष, जो कि अगतंत्र सिलेबस पॉइंट 9 में ही है जंगम विष में वृश्चिक विष और लूता विष, अलर्क विष, बोरे हड्डे इनका मधुमक्खी का विष आई ऑलरेडी वीडियो में डाल चुकी हूँ और लूता का भी डाल दिया है, अलर्क का भी हो गया है, मूषक विष भी हो गया है, आज ये बचा है जंगम विष सेकंड में वृश्चिक विष। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विद सिंपल एंड इजी ट्रिक्स। देखते हैं आप स्कॉर्पियन वेनम क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वृश्चिक के प्रिया आचार्य नरहरि पंडित, आपने डीजी में ऑलरेडी पढ़ा होगा नरहरि पंडित, राजनिघंटू तो पढ़ा होगा ना, तो राजनिघंटू किसने लिखा है? नरहरि पंडित ने। तो इन्होंने इस ही आदि वर्ग में वृश्चिक के निम्न पर्याय बताए हैं, वो क्या क्या है? शुककिट और अलीद्रोण। क्या है? शुककिट और अलीद्रोण। आई रिपीट, शुककिट एंड अलीद्रोण। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वृश्चिक भेद, टाइप्स एंड ओरिजिन ऑफ स्कॉर्पियंस। आचार्य सुश्रुत ने वृश्चिकों मतलब बिच्छुओं के विषाक्तता के आधार पर, मतलब जिस टाइप की वो उनकी पॉइजनसिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक मन, मध्यम एंड तीव्र। क्या है? मन, मध्यम और तीव्र। वृश्चिक उत्पत्ति, जो मंद वाले होते हैं वो गाय के गोबर के सड़ने से होते हैं। कहाँ से होंगे? गाय के गोबर के सड़ने से होता है। और मध्यम कहां से होते हैं? कास्ट और ईंटों के सड़ने से होता है। कहां से होएगा? कास्ट और ईंटों के सड़ने से होता है। और तीव्र कहां से होएगा? सर्प आदि विषाक्त कीटों तथा विष से मृत पशुओं के सड़ने से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट तो गाय के गोबर से आएगा, सेकंड कास्ट और ईंटों के सड़ने से आता है, थर्ड मृतक जो मृत पशुओं के सड़ने से आएगा। आई रिपीट, वृश्चिक उत्पत्ति मंद की होती है गाय के गोबर के सड़ने से, मध्यम की होती है कास्ट और ईंटों के सड़ने से, तीव्र की होती है विष के मृत पशुओं के सड़ने से। ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट करते हैं हम आकृति भेद से। अब देखो आकृति में भी क्या है, इन्होंने इसके बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने बिच्छू 30 प्रकार के माने हैं। अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स उन्होंने 20 टाइप के माने हैं। मंद द्वादश, मध्यास्तु त्रय, पंच दश, दश उत्तमा, दश विशंतिर अत्यते संख्या परिकर्ति। क्या बोले हैं? मंद द्वादश, द्वादश मतलब 12 टाइप के मंद विष के बताए हैं। मध्यास्तु त्रय, त्रय मतलब 3 और पंचदश उत्तम, पंचदश मतलब 5 और 10, 15 किसके हैं? तीव्र विष वाले के, इन्होंने भेद के बताए हैं। उनके मैंने आगे नाम इसका नहीं लिए क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी चलो। वृश्चिक विष, ये टेबल मैंने पूरा जो थे इसके अलग अलग से पॉइंट्स, वो ज्यादा बड़ा हो जाता तो मैंने टेबल में कंपाइल किया है जिससे आपके लिए इजी हो जाए। छोटा सा देख के ना ये लगता है छोटा सा है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेबल है, ये जो दो टेबल्स आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है। मंद विष वाले वृश्चिक, मंद क्या होगा? इनके पहले कलर आते हैं, जो मंद होता है ना वो कृष्ण, श्याम, कुबेर, पांडु, थोड़ा थोड़ा ना रिलेट करो तो इसमें काले पीले और व्हाइट सॉरी रक्त वर्ण को है। ठीक है, कृष्ण, श्याम, कुबेर, पांडु, देखो काले काले से चले, गौमूत्र भी थोड़ा येलोइश में आएगा, कर्कश, मेचक, ये सारे ऐसे आएगा। ठीक है, सब रूप क्या होगा? श्वेत वर्ण के उदर वाले, व्हाइट कलर का इनका पेट होगा, ऐसे याद करना। और पर्व बहुत होते हैं इनके, पूंछ प्रदेश में पर्व बहुत ज्यादा होते हैं। इनके सामान्य लक्षण क्या मिलेंगे अगर ये काट जाते हैं? वेदना मिलेगा, कंप मिलेगा और शरीर में क्या हो जाएगा, अकड़ जाए, स्टिफनेस हो जाती है पूरी बॉडी की। काले रंग के रुधिर का आना, ठीक है, काले रंग का रुधिर हमारा, मैं अब आपको बता दूं रेबीज पॉइजन में भी था। ठीक है, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से अलर्ट विष आप देख सकते हो। ठीक है,
रिपीट, मंद विष वाले वृश्चिक नहीं है इसका वर्ण? कृष्ण, श्याम, कुबेर, पांडु। मींस रिलेट करो तो काले और पीले रंग के, ठीक है। स्वरूप में क्या आएगा? व्हाइट कलर का उसका पेट होगा, काफी सारे उसके पर, ठीक है। सामान्य लक्षण में क्या होगा? वेदना होगी, कंप होगी, स्टिफनेस होगी और ब्लैक कलर का वहां से रक्त निकलता है। मध्यम विष वाला कैसा मिलेगा? लाल पीला। ओके, लाल पीला, लाल पीला। उधर कैसे कलर का इसका? कपिल वर्ण का। इन इन सब में क्या होगा? धूम्र वर्ण के तथा ये तीन पर्वों वाला होता है, याद रखना। ये धूम्र वर्ण का होता है, धुएं से वर्ण का होता है, और ये इसके सिर्फ तीन पर्व होते हैं। मध्यम तीन पर्व होंगे इसके, ठीक है। ये सर्पों के मूत्र, मल एवं सड़ी हुई जगह एवं अंडों से उत्पन्न गंदगी में जन्म लेते हैं। आपको पता भी है किससे होता है मध्यम वाला? कास्ट और ईंटों के उससे, ठीक है। ये वृश्चक दर्विकार सर्पों के, जो दर्विकार जो सर्प हैं उनके तीन भेदों में से जो जिसके अंश से उत्पन्न होता है, वह जो दोष मतलब उसी के अंश से ही उत्पन्न होता है बेसिकली ना। तो आपको दर्विकार तो पता है, पित्त वाले लक्षण है वो। जीभ का सूजन हो जाती है, भोजन निगलने में अवरोध हो जाएगा और भयंकर मूर्छा हो जाती है। अब देखो, अगर आपकी स्वेलिंग हो जाती है टंग में तो ऑब्वियसली डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग भी होगी ना, ठीक है। और उसको कुछ खाएगा नहीं, बेहोश तो हो ही जाए, ठीक है। ऐसे आप इसको रिलेट करके पढ़ो। आई रिपीट, मध्यम विष वाले क्या होगा? लाल पीला होगा। उधर उसका कपिल वर्ण का, धूम वर्ण का होगा, तीन ही उसके पर्व आएंगे, ठीक है। और दर्भी करके ही एक अंश होता है, पित्त वाला होगा। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, पहले तो उसकी सूज रही थी जी, ठीक है। क्या होगा? स्वेलिंग इन टंग में, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगी, तो कुछ खाएगा नहीं तो बेहोश हो जाएगा, फेंटिंग हो जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं आपके पास महाविष वाले या फिर तीव्र विष वाले वृश्चक, ठीक है। इसका कलर कैसा होगा? सफेद, चित्र, श्यामलम, श्याम थोड़ा सांवले रंग का, लोहित, रक्त श्वेत, रक्त नील के उदर वाला, पीत रक्त नील, पीत रक्त नील, पीत रक्त नील, नील शुक्ल, रक्त भृगु, पिंगल वर्ण, ठीक है। ये बता रखा है। स्वरूप क्या है? मध्यम विष वाले विच्छुकों की तरह है, एक पर्व वाले या पर्व रहित अथवा दो पर्व वाले होते हैं। देखो, हमने तो मध्यम में ये पढ़ा है कि वो तीन वाला होता है, इसमें है कि एक होगा, दो होगा या होगा ही नहीं, ठीक है। इस प्रकार के ये तीक्ष्ण विष वाले वृश्चिक नाना रूप के होते हैं, बस इतना याद करना है। कुछ कलर आपको याद है तो रंग बिरंगे रंग लिख के आ जाना, क्योंकि बोले ही रखा है कि नाना वर्ण के रंग होते हैं। अति भयानक होते हैं, तीव्र का मतलब तो होता ही भयानक है, ठीक है। प्राणों को हरने वाले होते हैं, ठीक है। तभी बोला है महाविष वाले, सब मोर पॉइजनस है जकर इंडेड। इनका जन्म कोथ युक्त सर्पों, वो भी बताया है कि मृत उससे बताया है सर्पों की, उससे इनका जन्म। सामान्य लक्षण में क्या होगा? सर्प विष का वेग, सदविष लक्षण मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वहीं से उत्पन्न होता है, तो उन्हीं के जैसे लक्षण मिलेंगे। सपोटों की उत्पत्ति होगी, मनोभ्रम, मेंटल कंफ्यूजन, दाहा, ज्वर, और इसमें से भी कृष्ण वर्ण का रक्त निकलता है, वो भी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग आती है बहुत तेजी से, और शीघ्रता से क्या होता है इसमें प्राण हर लेता है, दैट इज इमीडिएट डेथ हो जाती है, ठीक है। महाविष वाले वृश्चिक में क्या होगा? सफेद चित्त, मीन्स वर्ण तो छोड़ो, छोड़ दो, जो भी याद आए वो लिखते हैं ना, क्योंकि इसमें क्या नाना वर्ण के हैं, ठीक है। सर्प के उससे ही उत्पन्न होता है, इसका एक पर्व होगा या होगा ही नहीं, ठीक है जी। इतना बता रखे, सब उसके लक्षण मिलेंगे, सपोर्ट की उत्पत्ति होगी, मन विभ्रम हो जाएगा, मेंटल कंफ्यूजन हो जाएगी ना, दाहा होती है, ज्वर होगा, और इसमें से ब्लैक कलर का इसमें से ब्लड निकलता है, वो भी तीव्र बहुत ज्यादा, और फिर जब सारा खून निकल जाएगा मृत्यु हो जाएगी उसकी, बात ही खत्म है ना भाई, एंड हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे वृश्चिक के भेद का भी एंड हो गया इसी तरीके से। उसके बाद इन्होंने बोले चिकित्सात्मक चिकित्सा के भेद से भी बिच्छू के दो भेद बताए हैं, एक रुजाकर, एक सद्योकारक। कहते या तो वो सिर्फ क्या करेगा, पेन करता है, रुजा मतलब होती है वेदना, तो वेदना उत्पादक होगा, या सद्योघातक होता है मतलब एकदम से मारेगा। इनमें से प्रथम कोटि के बिच्छू के तो मतलब वेदना जितनी ज्यादा होती है कि दे कैन नॉट टॉलरेट दिस पेन, इतना ज्यादा पेन होता है कि वो सहन नहीं होगा, परंतु प्राय प्राणों के जाने का भय नहीं रहता। इट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट, कहते मरने से तो बच रहना, ये तो नहीं होगा ना कि भाई मरेगा ही, ठीक है। मरने से अच्छा तो कहते हैं ना पेन ही सहन कर लेंगे,
तो कहा भी गया है, सांप का काटा सोवे और बिच्छू का काटा रोवे। क्या है? सांप का काटा सोवे, बिच्छू का काटा रोवे। अगर सांप काट जाता है तो वो सो जाता है, इट मीन डेथ हो जाती है, और बिच्छू का काटता है तो रोता है, रोता ही रहता है, इतना ज्यादा पेन होता है कि वो बहुत ज्यादा रोता है। प्राण घातक बिच्छू के दंश से भी क्या हो जाता है, याद रखना है, जो प्राण घातक है प्राणों को खत्म करेगा तो उसमें वो क्या करेगा, पता कैसे इफेक्ट करता है, ये भी ना इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। पता क्या करेगा, शरीर का जो मांस होगा ना गल गल कर गिरने लग जाता है, इतना गंदा है ना ये, वृश्चिक को दूर रहना भाई इससे, ठीक है? तो समझ जाना, या तो ये बहुत ज्यादा पेन करेगा या फिर मारेगा, ठीक है? तो बिच्छू के दस्त से शरीर का मांस गल गल कर गिरने लग जाता है और उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है? आई होप समझ आ गए हो। नेक्स्ट आता है, अब हमने इसके भेद तो पढ़ लिए। अब देखो, अगर किसी को बाय चांस काट भी गया, नहीं काटना चाहिए बाय गॉड किसी को, नहीं काटना चाहिए, देन यू कैन व्हाट यू ट्रीट दैट, हाउ यू कैन ट्रीट, कैसे ट्रीट करोगे उसकी, उग्र और मध्यम विष वाले वृश्चिक की दश की चिकित्सा जो है वो आप कैसे करोगे। इन्होंने बताया है, बिच्छू के डंक मारने पर सर्प दस्त, मतलब इन्होंने बोला, अब देखो मेरी बात सुनो, उग्र वाला जो है इनके सारे लक्षण सर्प के समान है, तो इन्होंने ऐसे ही बोला कि जो सर्प दस्त के समान जो चिकित्सा करनी है उसकी बाह्य उपक्रम में आपको क्या करना है, दंश स्थान के चारों ओर स्वेदन करना। अब मेरी बात सुनो, किसी को कहीं पे काटो उसका स्वेदन कर दो, ठीक है? उस स्थान पर पहुंचो, पहुंच मतलब कि इंसिजन लगा दो, वहां पे कट लगाना है उसको, जो भी वहां पे पॉइजनस होगा उसको बाहर निकाल दो। उस पर हरिद्रा सेन धवत्री कटुशीश, देखो ये ना मैं आपको एक गोल्डन पॉइंट बताती हूँ, जितने भी विष वाले हैं ना उसमें आपको शीरीष 101% लिखना ही लिखना है, बिकॉज इट्स कर्म इज विष नाशक, ठीक है? आपको कंकुष्ट भी लिखना है और वहां पे आप हरिद्रा भी लिख सकते हो, हरिद्रा भी लिखना है। ये तीन तो पॉइंट ऐसे होंगे आपको हर एक में लिखना ही लिखना है, ठीक है? इसके चूर्ण का वहां पे प्रतिसारण करना, लोकल एप्लीकेशन करना। आई रिपीट, उग्र और मध्यम वाले में सर्प दस्त के समान चिकित्सा करनी है। बाह्य में आपको क्या करना है, चारों तरफ से स्वेदन करेंगे, इंसिजन लगाएंगे, उसका जितना भी पॉइजनस होगा बाहर निकाल देंगे, और वहां पे आपको शीरीष के, त्रिकटु के, हरिद्रा के, ठीक है, सेंधव लवण का, और क्योंकि नमक भी क्या करता है उसको चूस के बाहर निकालता है, मतलब इसका अब्सॉर्प्शन करता है ना ये उस चीज की, इस कारण इसको यूज करते हैं हम, और फिर इसके वहां पे चूर्ण कर प्रतिसारण करते हैं। और भी इन्होंने बताया है, तुलसी के पत्तों को बिजोरे नींबू के रस और गौमूत्र में पीस कर लेप लगा सकते हैं। तुलसी के पत्ते तो होंगे ना, उसके क्या करना, उसको पीस कर उसके ऊपर नींबू सा, नींबू का रस निचोड़ के और गौमूत्र में पीस कर उसको लेप कर, ठीक है? स्वेदन के लिए आपको क्या करना है, सूखे गोबर से सुहाता हुआ गरम सेक करना है, मतलब कि उसको क्या करना है, सूखे गोबर को थोड़ा गर्म सा करके ना उसको उसका सेक कर, ठीक है? बाह्य उपचार थे। अभ्यंतर आप क्या करोगे, अब उसकी बेचारे की बल बल नहीं रहेगा ना, तो बल क्या है हमारा, दूध दूध है, ठीक है, घी दूध है, तो इसमें है घी और मधु को आपको युक्त प्रचुर मात्रा में शर्करा मिलाकर दूध देना। गोल्डन मिल्क यू कैन से डैट ना, बट गोल्डन मिला सकते हो ना हल्दी, क्या क्या करते हैं हम उसमें, दूध डालते हैं, घी भी डालते हैं, मधु भी डालेंगे, शर्करा भी डालेंगे, तो आपको ये वाला दूध उसको पीने के लिए देना है, ठीक है? ये हमने देखा था उग्र और मध्यम वाले की। अब मंद विष वाले की क्या चिकित्सा करनी है, इसमें नहीं हमें इतना ज्यादा मतलब लेनी है टेंशन, बट इतनी ज्यादा नहीं लेनी एज कंपेयर टू उनके। बाह्य प्रयोग क्या करेंगे, विदारी गंध की औषधियों से सिद्ध तेल से सुहाता हुआ गरम से आपको क्या करना, उसको तेल को, विदारी गंध की, जो विदारी गंध की मैं बता दूं आपको, ये बल्ले ही औषधियां हैं, ठीक है? विदारी गंध है ना, ये बल्ले ही होता है, विदारी है, और हाँ ये जो है ये बल्ले औषधि है, इनको क्या करना है, तेल से आपको गर्म करना है, तेल में गर्म करना है और वहां पे उसको लगाना है, ठीक है? अभ्यंतर क्या करोगे आप इसको, देखो दालचीनी ली, दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची, नागकेसर, ये तो आपने सुने ही है, इनका चूर्ण से युक्त गुड़ के शरबत को अथवा गुड़ को दूध में घोलकर ठंडा करके पीने को देना है। गुड़ को क्या करना है, दूध में, एक तो मीठा दूध बनता है आपको, फिर आपको इनके साथ देना है इनके चूर्ण पे दालचीनी, तेजपत्ता, नागकेसर, क्या कहते, सॉरी क्या है, दालचीनी, तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र और नागकेसर, इनके चूर्ण, ठीक है? ये हमने मंद का पढ़ा है। अब आता है इसका सामान्य चिकित्सा क्या करें, ये हमने देखी थी विशेष चिकित्सा ना, जनरल ट्रीटमेंट क्या करें,
तो बाह्य प्रयोग क्या होगा? सर्वप्रथम दंत स्थान पर स्वेदन, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, स्वेदन तो इसमें करना ही है। उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, घी और सेंधव लवण का अभ्यंग करना है। देखो, घी सेंधव अभ्यंग करना है, फिर उष्ण औषधियों से द्वारा इसका परिषेक करना है। वहां पे बताया ना, गर्म सेक करो, गर्म सेक करो, उस चीज से हम करेंगे। अभ्यंतर में क्या करना है, पाचन शक्ति के अनुसार उसको घी ही पिलाना है। ठीक है जी, घृत पान आपको यहाँ पे करना है। अब आती है आपकी विशिष्ट चिकित्सा, रक्त मोक्षण करना है। ठीक है जी, उसके बाद मिश्री के साथ अग्दों का सेवन करना है। नस्य कर्म कर सकते हो, अंजन वमन कराकर आपको वहां पे यूज कर सकते हो, ये बाघों का पान करा सकते हो। शीतल उपचार करने, तीक्ष्ण विरेचन देकर ये बाघों का पान करा। देखो सिंपल है, रक्त मोक्षण करा दो, ठीक है, अंजन वमन करा दो, शीतल उपचार करा दो, तीक्ष्ण विरेचन करा दो, ये बाघों का प्रयोग करा दो लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आते इसका मॉडर्न पॉइंट, स्कॉर्पियन बाइट। फैक्ट्स क्या है, मोर देन 1250 स्पीशीज ऑफ स्कॉर्पियन आर फाउंड वर्ल्ड वाइड। पूरे इसमें 1250 स्पीशीज पाई जाती हैं। स्कॉर्पियन आर मोस्ट पॉइजनस देन स्नेक, इज अ मोर एंड मोर पॉइजनस देन स्नेक। स्कॉर्पियन वेनम इज बोथ न्यूरोटॉक्सिन एंड हीमोटॉक्सिक। न्यूरो पे तो करेगा ही, हीमो को भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके साइन एंड सिम्टम, सीवियर सेंसेशन, लोकलाइज्ड पेन एंड बर्निंग। वहां पे आपको पता है ना, इतना ज्यादा पेन होता है, रोजा तो ज्यादा होएगी, बर्निंग होएगी, एडिमा होएगा, रेडनेस होएगी, नोइजिया, वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, रो रो के बुरा हाल हो जाता है बंदे का, कन्वर्जन इसमें आए। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन, इसका ट्रीटमेंट आता है, क्या करना है, टॉर्निक वेट बांधना। टॉर्निक वेट पता है, अरिष्ट बंधन इसको आयुर्वेद में बोलते हैं। इसकी वीडियो में बनाऊंगी चिकित्सा उपक्रम जो 24 है उन पे। क्या करते हैं, पट्टी से बांध देते हैं, उसे ही बोलते हैं एक बैंडेज टाइप में। ठीक है, टॉर्निकेट बांधना है, वहां पे इंसिजन लगाना है, उस एरिया को वॉश करना है, इंजेक्शन करना है लोकल एनेस्थेटिया एजेंट्स का। ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट और बार्बिट्यूरेट्स आप इसमें दे सकते हैं। क्या करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट और बार्बिट्यूरेट्स आप इसमें दे सकते हो। ठीक है, ये है आपका। उसके बाद मेडिको लीगल एस्पेक्ट इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस टॉपिक। एक्सीडेंटल है, कोई जानबूझकर तो नहीं अपना कटवाना चाहेगा, इतने ज्यादा पेन कोई नहीं टॉलरेट करना चाहेगा ना। उसके बाद आता है पोस्टमार्टम अपीयरेंस में आपको क्या मिलेगा, हेमरेज इन नोज एंड माउथ। ठीक है, आई होप आपको ये सारी की सारी समझ आई हो। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आई हो ना, आप मुझे कमेंट कर देना और मैं आपको बता दूंगा अगर आपको कोई भी क्वायरी होगी। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज एंड प्लीज, इतनी मेहनत कर रही हूँ, प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और सपोर्ट जरूर करना प्लीज, इट्स बिकॉज इट्स माय न्यू चैनल। एंड लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।